सर्वप्रथम मंच को नमन करता हूं और चार पंक्तियां इस धरा के लिए पढ़ना चाहूंगा कि जालोर की आन बान शान के लिए शीश कटवाने वाले वीरम देव को प्रणाम है और शिशुपाल ग्रंथ महाकाव्य के रचयिता कवि माघ को प्रणाम है, दिल्ली चलो नारा देने वाले सुभाष को प्रणाम है। और चार पंक्तियां मैं राष्ट्रीय एकता पर पढ़ना चाहूंगा कि दिल में मैं राम रखता हूँ और रहमान रखता हूँ, भारत माँ का बेटा हूँ मैं स्वाभिमान रखता हूँ, इस दिल में मैं वो रखता हूँ जो हर कोई रख नहीं सकता, मैं इस छोटे से दिल में पूरा हिंदुस्तान रखता हूँ। उसके बाद मैं अगली एक छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो रचना है मेरी सीमा के प्रहरी के नाम, जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए न जाने कितनी दफा होली दिवाली उस सरहद पर न्यौछावर कर देते हैं हमारे लिए, तो उनके बारे में मैं चार एक छोटी सी रचना आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूंगा कि पर्वत पर चढ़ना है चढ़ जाऊंगा, पर्वत पर चढ़ना है चढ़ जाऊंगा, सागर से लड़ना है लड़ जाऊंगा, यहाँ मृत्यु हमारा अटल सत्य है, जो होना होगा हो जाएगा, मैं वीर नहीं तो कायर भी नहीं, मैं कुछ भी ऐसा कर जाऊंगा, इस चीर निंद्रा में सोने से पहले मैं सबके दिल में बच जाऊंगा, देखो हमने तो राम को साधा है कहां कोई अब बाधा है, सच मृत्यु बिना जीवन आधा है, मैं हमारा ही नदियों के संग अपनी राह बनाता हूं, पर्वत हो या खाई अविचलित चलता रहता हूं, देश तरक्की के खातिर दुश्मन से लड़ जाता हूं, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय सैनिक कहलाता हूं। जय हिंद जय भारत।